दोस्तों, हमारी मोबाइल की रिक्वायरमेंट और इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हम अपने मोबाइल के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखते हैं जो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही पर्सनलाइज होती है, बहुत ही सीक्रेट होती है। ऐसे में अगर हमारे मोबाइल कहीं पर खो जाए, किसी ने चोरी कर लिया हो या कहीं पर हम रख करके भूल जाएँ और उसका पता नहीं लगा पा रहे हों, तो ऐसे में YT भारत चैनल पर आज ये वीडियो आपको वो सारी चीजें बताने जा रहा है जिससे आप अपने मोबाइल को केवल 2 मिनट में ट्रैक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं 2 मिनट में ट्रैक, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो YT भारत के इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। लास्ट तक आप वीडियो देखने के बाद पूरी तरह समझ जाएंगे कि केवल 2 मिनट लगा करके आप अपने मोबाइल को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में, अपने मोबाइल की स्क्रीन में कि कौन सी सेटिंग मोबाइल के अंदर हमें ऑन करके रखनी है और कौन सी यूटिलिटी का हमें अपने लैपटॉप में यूज़ करना है, जिसके बाद हम अपने मोबाइल को बहुत ही आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए दोस्तों, अब पता कर लेते हैं कि आपको अपने मोबाइल के अंदर कौन सी सेटिंग को ऑन करना होगा। सेटिंग के अंदर आ जाइए, लोकेशन को सर्च कर लीजिए। लोकेशन को जैसे आप सर्च करेंगे, सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने लोकेशन की एक्सेस को वापस इनेबल करना है और हाई एक्यूरेसी मोड को सेलेक्ट करना है, ताकि आपका मोबाइल कहीं भी हो तो वो सबसे क्लोज जगह पर एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है वो आपको ट्रैक करके बता दे। तो ये ऑप्शन सारा ऑन करने के बाद आपको आना है वापस जीमेल के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक्चुअली में देखना है कि आपका किस जीमेल आईडी से लॉगिन हो रखा है। ये देखिए, मैंने देख लिया है, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा कि मैंने जिस जीमेल आईडी से लॉगिन किया है। अब चलते हैं वापस लैपटॉप की स्क्रीन में। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आपको अपने मोबाइल के अंदर कौन सी सेटिंग को ओपन करके रखना है। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जीमेल आईडी कौन सी ओपन करनी है। दोस्तों, आपके मोबाइल में जिस जीमेल आईडी से लॉगिन आपने कर रखा था लास्ट टाइम जब आपका मोबाइल खोया था, उसी सेम जीमेल आईडी से आपको अब इस वेबसाइट में लॉगिन करना है जो आपको मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में दिखाने जा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन में हम ओपन करने जा रहे हैं इस वेबसाइट का, जिसका नाम है googlefindmydevice.com। इस गूगल फाइंड माई डिवाइस को आप ओपन करने के बाद इस तरह से आपकी स्क्रीन सामने आ जाएगी। इस स्क्रीन पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहले आप राइट हैंड पर देखिए, ये जीमेल आईडी सेम जिससे मैं लॉगिन कर रखा है अपने डिवाइस में, ये आपकी लॉगिन आप कर लीजिए, यहाँ पर साइन इन कर लीजिए। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड पर आ जाइए। लेफ्ट हैंड पर आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल आपको दिख रहा है जो वहां पर लॉस्ट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं दिखाने जा रहा हूँ, प्ले साउंड, दूसरा है सिक्योर डिवाइस और तीसरा है इरेज डिवाइस। यहाँ पर सबसे पहले हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्ले साउंड पर मैंने क्लिक किया है। आपका फोन अगर साइलेंट मोड पर भी है तो उसको आप प्ले साउंड करवा करके प्ले करवा सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। इससे अगर आपका मोबाइल कहीं पे गिर गया है या किसी ने चोरी कर रखा है तो वो रिंग करना स्टार्ट कर देगा। सेकंड चीज ये है सिक्योर्ड माई डिवाइस। सिक्योर माई डिवाइस में आप देख सकते हैं यहाँ पर एड मैसेज और फोन नंबर। क्यों आप मैसेज को यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे? यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, लीव एनीवन हु फाइंड्स योर डिवाइस अ मैसेज और अ फोन नंबर वेयर यू कैन बी रीच्ड। यानी कि अगर किसी ने गलती से आपका मोबाइल प्राप्त कर लिया है, ले लिया है या उसको मिल गया है गिरा हुआ, तो उसके लिए आप एक मैसेज छोड़ सकते हैं। उस मैसेज को पढ़ करके वो उस नंबर पे जो इमरजेंसी नंबर आपने प्रोवाइड कर रखा है यहाँ पर फोन नंबर में, उस इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके आपके फोन को कहां पर पहुंचाना है या आप फोन कहां से कलेक्ट कर सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा और आपको फोन आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहां पे आप रिकवरी मैसेज लिख सकते हैं कि हाय देयर, इफ यू फाउंड माय डिवाइस प्लीज कॉन्टेक्ट टू बिलो नंबर। इस तरह से आप अपने विशेष मैसेज छोड़ सकते हैं अपने मोबाइल को ट्रैक करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इरेज डिवाइस, यानी कि आप पूरे डिवाइस के डेटा को इरेज कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, इरेज करने के बाद क्या आपको प्रॉब्लम आने वाली है, ऑल डेटा विल बी परमानेंटली इरेज फ्रॉम द डिवाइस। पूरी तरह से डेटा आपका इरेज हो जाएगा आफ्टर योर डिवाइस हैज बीन इरेज, यू कांट लोकेट इट। एक बार आपका डिवाइस से डाटा इरेज हो गया तो आप अपने मोबाइल को फिर ट्रैक नहीं कर पाएंगे। अब आप सोचें कि हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे तो उसका बेनिफिट क्या है? दोस्तों, आपके मोबाइल में आपकी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, पासवर्ड होते हैं, सारे लॉगिन होते हैं। अगर उस चीज से आप बड़े लॉस से बचना चाहते हैं तो छोटे लॉस से आप काम करा लीजिए। यहाँ पर उस डेटा को पूरी तरह से इरेज कर दीजिए। इससे कोई भी जो
अनऑथराइज पर्सन है वो आपकी इंफॉर्मेशन को पढ़ नहीं पाएगा, डेटा को पढ़ नहीं पाएगा, और उसके लिए मोबाइल बहुत यूजलेस लगभग हो जाएगा आपकी इंफॉर्मेशन चुराने के लिए, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट चीज ये है, इफ योर डिवाइस इज ऑफलाइन इरेजिंग विल बिगिन व्हेन इट नेक्स्ट कम ऑनलाइन। इसका सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो ऑनलाइन होने पर ही, जब ऑनलाइन आएगा, जब उसमें मोबाइल में डेटा ऑन होगा तभी वो उस डेटा को इरेज कर पाएगा, अनलेस अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो डेटा इरेज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट ये है, टू एज योर डिवाइस यू मे नीड टू साइन इन टू योर गूगल अकाउंट अगेन। आपको अपने डेटा को इरेज करने के लिए आपको दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा गूगल में। तो आप इरेज डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो वो इरेज की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी हमें इरेज नहीं करना है। आपको बताने का मकसद ये था थ्री सेटिंग के बारे में कि ये कैसे काम करती हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक मिडिल ऑफ द स्क्रीन में आपको मैं यहाँ पर जूम आउट करके दिखा रहा हूं कि यहाँ पर मेरी लोकेशन यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये मेरे मोबाइल की लोकेशन आपको दिखा रहा है, लेकिन अभी एक ब्रॉड एरिया दिखा रहा है जिस ब्रॉड एरिया में मेरी लोकेशन है। लेकिन अगर आप इसे पूरा कंप्लीटली ट्रैक करना चाहते हैं तो यहां पर एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं कि क्या मेरी सेटिंग अभी हाई एक्यूरेसी वाली ऑन है कि नहीं है। तो इसको दोबारा से फ्रेश कर देते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार फिर से डिवाइस को। ये देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये एग्जैक्ट लोकेशन आ चुकी है, ये एरिया, ये गली, ये लोकेलिटी जहां पर आप इस टाइम बैठे हुए हैं, ये आपकी लोकेशन ट्रैक हो चुकी है, पूरी तरह से आप ट्रैक हो चुके हैं। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल की लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं कितनी कितनी इजिली, केवल 2 मिनट में। अगर आप इसने सेटिंग को आपने सारी ऑन कर रखा है और आप सारी चीजों को जानते हैं तो केवल 2 मिनट लगेगा लैपटॉप की ओपन करके, या किसी भी डेस्कटॉप, किसी भी साइबर कैफे में, किसी भी दोस्त के लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर इस गूगल फाइंड माई डिवाइस की यूटिलिटी को ऑन करके सिर्फ आपको अपने उसी सेम ईमेल आईडी से लॉग इन करना है जिस ईमेल आईडी से उस मोबाइल में लास्ट टाइम में लॉग इन हो रखा था, और इस तरह से आप प्ले साउंड, सिक्योर डिवाइस, इरेज डिवाइस और अपने डिवाइस को लोकेट कर सकते हैं। तो इससे जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो वाईटी भारत चैनल पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं वाईटी भारत के इसी तरह के अगले बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।